ਅਸੀਂ ਯਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਸੂ ਦੇ। सबको जय मसीह की, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जैसा कि प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं तेरे दुख को आनंद में बदल दूंगा, तो आज हम आपको एक ऐसे ही गवाह के साथ मिलाएंगे जिनके दुख को परमेश्वर ने आनंद में बदल दिया है। परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां जो है वो भविष्यवाणी करेंगी। तो आज हम आपको एक ऐसी ही प्रभु की दासी के साथ मिलाएंगे जिनको परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो आइए हम मिलते हैं पास्टर जिया जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। पास्टर जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। थैंक यू सो मच। पास्टर जी, हम चाहते हैं कि आप लोगों को अपने बारे में बताएं कि आप कहां के रहने वाले हैं और कहां पर सेवकाई करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, मेरा नाम पास्टर जिया और मैं दीनानगर डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर की रहने वाली हूं और मैं दीनानगर में ही सेवकाई कर रही हूं। पास्टर जी, हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि मसीह में आने से पहले जो आपकी लाइफ थी वो कैसी थी। मसीह में आने से पहले मेरी जो लाइफ थी, जब मेरा बर्थ हुआ तो मेरी फैमिली मेरे को एक्सेप्ट नहीं करती थी। वो चाहते थे कि हमारे घर में एक बेटा हो। तो मेरी पहले भी एक सिस्टर थी और मेरी फैमिली चाहती थी कि हमारे घर में एक बेटा हो। तो जब मेरा बर्थ हुआ तो सभी फैमिली मतलब शोक मनाने लगे कि ये क्या हो गया, एक लड़की फिर हो गई। और इसी वजह से मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हुए और हमारे घर में सभी जन शोक मनाने आ गए कि ये क्या हो गया, फिर से लड़की हो गई हमारे घर में। और फिर मेरी फैमिली ने एक्सेप्ट करा। उसके बाद जब मैं बड़ी हुई तो ऐसे ठंड का मौसम था और हमारे घर में ना आग की भट्टी रखी होती थी और ना जब मेरी मदर मेरे को फीड दे रहे थे और मैं फीड देते थे तो मम्मा की आंख लग गई और वैसे ही मैं आग में गिर गई और मेरा पैर टोटली ख़राब हो गया मेरा पैर। उसके बाद मेरी फैमिली को पता चला, मेरे फैमिली वाले मेरे को डॉक्टर के पास लेके गए। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि इनका बचना मुश्किल है, ये अभी नहीं बच सकते हैं। तो मैं तो परमेश्वर को नहीं जानती थी बट परमेश्वर तो मुझे जानते थे। हालेलुया। सो खुदावन ने मेरे को बचाया, उस वक्त भी बचाया, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है अगर तू आग में होकर जाएगा तो आग भी तुझे जलाना ना पाएंगी। खुदावन ने मुझे संभाला उस टाइम भी और मैं खुदावन का धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो स्कूल जाने लगी, मेरे अंदर एक ऐसा डर था कि मैं किसी से खुल के बात नहीं कर सकती। इतना मेरे अंदर डर था कि जब मैंने अपनी क्लास में जाना, मेरे टीचर ने मेरा नाम पूछना और मेरी जो क्लासमेट थे मेरा जब नाम पूछते मैं भूल जाती थी कि मेरा नाम क्या है। ऐसा डर मेरे अंदर बैठ गया था। मैंने अपनी सिस्टर को बुला के लेके आना कि बता अभी मेरी फैमिली के बारे में, बता कि मेरा नाम क्या है, ये वो। ऐसा डर मेरे अंदर था। और उसके बाद जब टीचर इतने परेशान हो गए, उसने मेरी सिस्टर को बुलाना कि ये क्या है, इसके अंदर कैसी ये कमज़ोरी है कि ये अपना नाम तक ही नहीं मतलब बोल सकती है, क्या है ये। तो मैं इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी मुझे फील होती थी कि मैं क्या प्रभु मेरे साथ क्या हो रहा है। प्रभु को तो नहीं मैं जानती थी बट मैं एक हिंदू फैमिली से हूँ। मेरे फादर जो है इकट्ठक विरोधी थे, इतना परमेश्वर का विरोध करते थे वो। और इसी तरह जब मैं स्कूल जाती थी इतनी शर्मिंदगी होनी, मेरी कोई भी फ्रेंड नहीं होती थी, मैं अकेली रहती थी। और जब भी मैं स्कूल जाती तो मेरी सिस्टर मेरे साथ जाती थी। मैं मतलब हमारे घर में इतनी लड़ाई झगड़े होते थे, इतनी गरीबी, इतनी लड़ाई झगड़े होने। और मैं अंदर ऐसा डर, मेरी मम्मा और पापा के बीच में इतने झगड़े होने, इतनी लड़ाई झगड़े, ये देख देख के मैंने तो अपने मन में ऐसा मैंने ठान लिया था कि नहीं, अभी मुझे मैरिज नहीं करनी है, मेरे को मैरिज नहीं करनी है। अगर मतलब मेरे फैमिली के साथ ऐसा हो रहा है तो मेरे साथ भी ऐसा होगा, क्योंकि मेरे फादर बहुत ड्रिंक करते थे और कई बार ऐसा होता था कि मेरे फादर जो मम्मा को मारते भी थे। और इसी वजह से मेरे अंदर ऐसा डर, ऐसा मतलब हमारे घर में टोटली इतना गंदा माहौल था कि बस ड्रिंक करनी, पापा ने ड्रिंक करनी, मेरे ब्रदर भी प्रभु में नहीं थे। और इसी की वजह से मैं इतनी ज़्यादा परेशान। तो फिर मतलब मैं भी थोड़ा मतलब मेरे को जब लोग कहते थे कि तू कैसी जिंदगी जी रही है, कैसी लाइफ जी रही है, मेरी जो मेरी फ्रेंड थी और उन्होंने मेरे को बताना कि तू कैसी लाइफ जी रही है, कैसी बोरिंग थी लाइफ जी रही है। और मैंने उनको बोलना कि तो मेरे को क्या करना होगा अच्छी लाइफ जीने के लिए। तो उन्होंने बोला कि चल घूमने चलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जैसे यूथ करता है वैसे करते हैं। तो मैंने फैसला किया कि मैं एक ना शॉप पे लग गई काम पे, मुझे स्किन कॉस्मेटिक का काम आता, तो मैं एक शॉप पे लगी काम पे और वहाँ पे मैंने काम किया। और मैं बिल्कुल मैं प्रभु को नहीं जानती थी। और वहाँ पे एक ना कस्टमर आया, उन फ्री टाइम था, मैं बैठी हुई थी और उन्होंने मुझे बताया कि आप ना चर्च जाओगे। तो मैं रो रही थी वहाँ पे बैठ के और उन्होंने मेरे को बोला कि आप ना चर्च जाओ,
प्रभु यीशु मसीह के बाद, वो खामरा चर्च में। तो मैं जब, मेरे को खामरा चर्च का उन्होंने नाम बताया, तो मैं फर्स्ट टाइम जब खामरा चर्च में गई, जो गुरदासपुर ब्रांच है जापवाल में, तो मैं वहाँ पे गई। मैं अपने लिए नहीं गई थी, अपनी मम्मा के लिए गई थी, क्योंकि मेरी मम्मा बड़े बीमार रहते थे और हमारे घर में इतनी परेशानियाँ, दुख, गरीबी, हर वो चीज़, मतलब जो हमारे घर में होती थी। जब मैं फर्स्ट टाइम जापवाल में गई ब्रांच में, और वहाँ पे फादर प्रीच कर रहे थे, जब मैंने प्रीच को सुना, तो मैं मतलब जस्ट सुना, और मैं इतना, मैंने ध्यान नहीं दिया प्रीच की ओर। मम्मा की वजह से चर्च में गई, जब मैं गई चर्च में गई, तो मम्मा की वजह से ही मैं चर्च में गई। और जब मैं चर्च में गई, तो मेरे को अच्छा तो लगा, पर पूरी तरह से मैंने गौर नहीं की उस प्रीच के ऊपर। मैं घर आ गई, फिर वही होना, एक दिन गई, दो दिन गई। जब मैं तीसरी बार चर्च में गई, तो खुदावन की स्पिरिट ने मुझे ऐसे टच किया, ऐसे पवित्र आत्मा से भरी, कि मुझे सच में वो परमेश्वर का दर्शन हुए, और खुदावन ने मुझे होली स्पिरिट से, पवित्र आत्मा से भरा। तब मैंने फैसला किया कि खुदावन, तुझे छोड़कर मैं किसी के आगे अपने आप को दंडवत नहीं करूँगी, और तू ही आज से मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा छुटकारा कर सकता है, तू ही हमारे घर के हालातों को बदल सकता है खुदावन। फिर मैंने खुदावन से ये वादा किया कि खुदावन, आज से मैं अपना जीवन पवित्रता में जीऊंगी, आज से मैं अपना जीवन तेरे, तुझे सौंपती हूँ खुदावन, तू ही मेरी लाइफ के हर एक डिसीजन को लेगा खुदावन। ऐसे मैंने अपनी जिंदगी को ऐसे बिताया, और खुदावन को अपनी लाइफ दी। हालेलुया। तो पास्टर जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि आप एक हिंदू बैकग्राउंड से हो, तो जब आपने यीशु मसीह को जान लिया, आपने चर्च जाना शुरू कर दिया, तो आपके घर वालों का फिर क्या रिएक्शन था उसके ऊपर? जैसे मैं चर्च जाना स्टार्ट किया मैंने, और किसी ने मेरे फादर को बता दिया कि ये तो चर्च जाने, इन्होंने तो धर्म परिवर्तन कर लिया है, ये तो चर्च जाने लगे हैं, ये तो साई बन गए हैं। और फिर मैंने ना, मतलब आज हमने छुप छुप के घर से छुप छुप के जाना, फादर से छुप छुप के जाना, कि कहीं फादर को पता ना चल जाए। जब फादर को पता चला, तो मैंने फर्स्ट टाइम अपने घर में ना बाइबल लेके रखी, और मेरे फादर ने ना उस बाइबल को फाड़ दिया, जला दिया। एक बार तीन मेरी बाइबल जला दी पापा ने, और फाड़ भी दी। और मैं इतना ज़्यादा रोई कि खुदावन, ये क्या मेरी बाइबल क्यों फाड़ दी है? मैंने कुछ नहीं बोला, और हमने चर्च जाना बिल्कुल नहीं छोड़ा। और जब मेरे फादर को पता चला, तो फादर ने काम करना भी बंद कर दिया, मैं पैसे देना भी बंद कर दिए कि ये चर्च में जाते हैं, अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो चर्च में कैसे जाएंगे। और जब उन्होंने पैसे देना बंद कर दिए, तो मेरी मदर और मेरे जो ब्रदर थे, वो बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे जो ब्रदर, बड़े ब्रदर है, वो भी पहले प्रभु में नहीं थे। और हमने चर्च जाना स्टार्ट किया, जब हम चर्च जाते गए, और मेरे फादर को पता चला कि ये चर्च जाती है, वहाँ पे जाके ये ऐसे वर्शिप करते, ये नाचते उधर जाके, वो तो ये तो भी सही साई बन गए। तो इसी वजह से और ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने स्टार्ट हो गए। और उसके बाद जब मेरी सिस्टर की मैरिज हो गई, और मेरे फादर ने मेरा बहुत ज़्यादा विरोध करना स्टार्ट कर दिया, तो मुझे इतना प्रभु से लव, इतना ज़्यादा प्रभु से लव हो गया, कि मैंने यही कहना कि खुदावन, अभी जो कुछ मर्जी, कोई चीज़ मुझे तेरे प्यार से अलग नहीं कर सकती खुदावन। मैंने ऐसे प्रभु को कहना, ऐसे ही मैंने प्रभु में बढ़ते जाना। और मेरी मदर के 10 mm की पथरी थी, और खुदावन ने उसे विदाउट ऑपरेशन खुदावन ने उन्हें हील करा। और मेरा फेथ इतना प्रभु में हो गया कि अभी प्रभु, तू अगर मदर को चंगा कर सकते हो, हमारे हालातों के भी बदल सकता है। तो ऐसे ही फिर मैं बढ़ती गई, मेरे फादर ने मेरा विरोध करना स्टार्ट कर दिया। मैं मतलब ये करती थी कि खुदावन, मैंने अभी प्रेयर करनी, मैंने इतनी ज़्यादा प्रेयर करना स्टार्ट कर दी, इतनी ज़्यादा फास्टिंग करना स्टार्ट कर दी। इसकी वजह से जब मैंने प्रार्थना करनी, तो मेरे फादर को पता चला ये प्रार्थना कर रही है। उन्होंने जहाँ पे मैं प्रार्थना करके, क्योंकि हमारे घर में एक ही रूम था, और मैं वहीं बैठ के प्रार्थना करती थी, और मेरे फादर ने देख लेना कि ये प्रेयर कर रही है, उधर ही मेरे फादर ने वहाँ पे कीचड़ कर देना, इतना मतलब गीला कर देना वो अपना घर। तो मैं इतनी ज़्यादा रोती थी, खुदावन मैं प्रार्थना कहाँ पे करूँ, खुदावन तू मुझे बता मैं क्या करूँ। मैं अपने फादर को कुछ नहीं बोलती थी कि फादर, पापा आपने ये क्या कर दिया, मैं कुछ नहीं बोलना। उन्होंने मेरे को गालियाँ देनी, गंदी गंदी गालियाँ देनी है कि तू वहाँ पे ये करने जाती, तू वहाँ पे वो करने जाती है। मैंने कुछ नहीं बोलना, और फिर मैं वहाँ पे प्रार्थना करने मैंने बंद कर दी। फिर मैंने, हमारे घर के पास एक छोटा सा घर है किसी का, और वहाँ पे कोई रहता नहीं था, वहाँ पे जंगल था, वहाँ पे जाके मैंने प्रार्थना करना स्टार्ट करी कि खुदावन मुझे कोई चीज़
तेरे प्यार से अलग नहीं कर सकती। मैंने वहां पे जाके प्रेयर करनी, और जब मैंने 1 से लेकर 3 बजे तक वहां पे प्रेयर करनी, तो मेरे घुटने टोटली इतने ज्यादा ब्लेस हो जाते थे कि मेरे से चला भी नहीं जाता, उठा भी नहीं जाता। वे इतना रोती थी, खुदावन अभी तू मुझे उठा, मैं कैसे उठूं, खुदावन मैं कैसे चलूं, पवित्र आत्मा जी प्लीज मुझे उठाइए ताकि मैं चल सकूं। मेरे घुटने इतने ज्यादा वो हो जाते थे कि अभी तक वो निशान मेरे घुटनों पे, हालेलुया। तो खुदावन में इतना ज्यादा मेरे अंदर था कि खुदावन मुझे कोई भी चीज तेरे प्यार से अलग नहीं कर सकती। और वैसे किसी को वाने किसी ने ना उन्हें बताते कि ये वहां पे बैठ के आपके घर में बैठ के जादू टोने करती है, तो मैंने ना वहां पे भी प्रार्थना करनी छोड़ दी। और मेरे फादर इतना ज्यादा विरोध करते थे कि मेरे को लगता, मैं कहती थी कि नहीं अभी मुझे प्रार्थना और करनी, और प्रार्थना बढ़ानी है, अगर शैतान काम कर रहा है तो मुझे प्रार्थना करनी होगी। और मैंने जब प्रार्थना और ज़्यादा करने से आगे, वहाँ तो मैंने बंद कर दी प्रार्थना करना, बट मैं अपनी घर पे जब पापा बाहर चले जाते मैंने प्रार्थना करने स्टार्ट कर दी। और ऐसा होता था कि मेरे को ऐसा होता था कि पापा अगर आ गए, पापा मैं बेड के नीचे बढ़ के प्रार्थना करती थी और पापा बेड के ऊपर होते थे, और पापा को पता नहीं चलता था कि ये नीचे बैठ के प्रार्थना कर रही है। और मैंने प्रार्थना करनी, एक दिन ऐसा हुआ कि मैं पापा नाइट को ड्रिंक करके आए थे, इतनी ड्रिंक करी थी उन्होंने कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक करी थी उन्होंने। और उसके बाद क्या हुआ कि मेरे फादर ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर जब उन्होंने निकाल दिया तो मैं आधी रात, 1 बजा था रात का, तो उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया, मुझे घर नहीं आने देते थे क्योंकि मैं प्रार्थना कर रही थी वहाँ पे बैठ के, और मेरे फादर ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वो बोल रहे थे कि तू घर पे नहीं आएगी, वो गेट के बाहर बैठ गई ताकि हमारी रिश्तेदारों के घर भी ना जाए। और मैं पूरी रात 1 से लेकर 2-3 बजे तक मैं बाहर ही रही, कभी किसी के दरवाजे के बाहर बैठ जाना, कभी किसी के दरवाजे के बाहर बैठ जाना। तो ऐसे मैंने बस खुदावन का थैंक्स करके, कि प्रभु के वचन में लिखा है यहोवा में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, तो प्रभु के इसी वचनों के द्वारा खुदावन ने मुझे खड़ा किया, मुझे संभाले रखा और मैं बढ़ती गई। शैतान तो मेरे दिमाग में बहुत कुछ डालता था कि क्या फ़ायदा है ऐसी लाइफ जीने से, तू क्या क्या जी रही है, ऐसी ये लाइफ है कोई, और इतना ज़्यादा विरोध हो रहा है, छोड़ क्या करना तूने। तो मैंने कहना कि प्रभु ने मुझे वचन देने कि नहीं तुझे अड़े और खड़े रहना है, क्योंकि यहोवा में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती। और मैंने इसी वचनों के लेके मैंने अड़े और खड़े रहना। और मैं सुबह घर पे आई तो मैंने ये नहीं कहा कि जब पापा को पता चला कि ये पापा फिर सो गए, जब उनकी ड्रिंक जब उन्होंने की तो वो उतर गई, शराब उनकी उतर गई। सुबह जब मैं घर आई तो मेरे फादर ने ना मेरे को वैसे देख रहे थे मेरे, और मैंने खुद जाके फादर को पूछा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में प्रेम करना सिखाता, हालेलुया। तो खुदावन ने मुझे ऐसा मेरे अंदर, ऐसा मेरे हृदय को बना दिया था कि जब मेरे फादर मुझे पूछते थे, मेरे फादर मेरी ओर देख रहे, और मैंने फादर को पूछा आप खाना खाओगे पापा, आपने चाय पीनी है, मतलब ऐसे मैंने प्यार से उन्हें ट्रीट किया। क्योंकि बाइबल कहती है कि जो चीज़ें प्यार बदल सकती है वो नफरत नहीं बदल सकती। तो खुदावन ने मुझे ऐसे प्यार, मेरे हृदय को ऐसा हम्बल बना दिया कि मैंने अपने फादर से ऐसे पूछा। जब मैंने अपने फादर से पूछा तो मेरे फादर बिल्कुल ही ऐसे शर्मिंदा हो गए कि मैंने तो इसको रात को इतना तंग किया तो आज ये मेरे से ऐसे बात कर रही है। तो पास्टर जी, जैसे कि आपने बताया कि आपने प्रभु यीशु मसीह को तो जान लिया, आपका विरोध भी काफी हुआ, घर वालों ने किया, बाहर वालों ने भी काफी विरोध किया, फिर आपको ये कैसे पता चला कि परमेश्वर ने आपको एक दासी के रूप में चुना है, एक सेवक होने के लिए चुना है? तो मेरी मदर जो थे वो एक प्रॉफिट थे, खुदावन के साथ उनके रिलेशन बहुत अच्छे थे, वो प्रेयर में बहुत ज्यादा ब्लेस्ड थे, और खुदावन ने उनसे बात की कि ये तेरी बेटी है और ये प्रभु के कामों के लिए चुनी गई है, तू उसे प्रभु के लिए दे दे, डेडिकेट कर दे इसे। तो मम्मा ने मेरे को बताना कि तेरी कॉलिंग एक पास्टर की है, तू एक दासी के रूप में चुनी गई है। तो मैंने मम्मा को बोला, नहीं मम्मा मैं तो एक, मतलब मैं ऐसे इवेंजलिज्म कर सकती हूँ, मैं ऐसे किसी के सामने ऐसे प्रचार नहीं कर सकती कि मैं आपको पता ही है कि मेरे अंदर ये कमी है कि मैं किसी के सामने प्रचार नहीं कर सकती, मैं किसी के सामने बोल नहीं सकती, तो आप मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैं एक दासी हूँ, मैं एक पास्टर हूँ? तो मम्मा ने कहना कि नहीं, तू मान या ना मान, खुदावन ने मुझे बताया, खुदावन का आत्मा कभी झूठ नहीं बोलता, और मम्मा ने मेरे को बताया कि तू एक दासी के रूप में चुनी गई है। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, अगर प्रभु ने बताया तो कुछ सही होगा, सच्चा ही होगा। तो मैंने ऐसे ही फिर मैंने सेवकाई करना स्टार्ट करी, और मैंने
प्रेयर में तो मैं बहुत ज्यादा प्रभु की दया से बहुत ज्यादा ब्लेस थी, प्रेयर में करती थी। और जब लोगों को पता चला कि ये प्रेयर करने जाती है किसी के घर, मैंने किसी के घर प्रेयर करना जाना और लोगों ने मुझे इन्वाइट करना अपने घर में प्रार्थना के लिए, जब मैंने उनके घर प्रार्थना करने जानी तो सच में खुदावन के बहुत बड़े बड़े काम होते थे। जब लोग मेरी ओर देखते थे तो छुटकारे को ग्रहण करते थे, उनकी बीमारियां जाती थी, वो हील होते थे। मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा आपने तो सच में ये सही बोला था कि खुदावन ने मुझे अपने कामों के लिए चुना है। तो मम्मा ने मेरे को बोला कि हाँ खुदावन ने तुझे अपने कामों के लिए चुना है। जब बड़े बड़े काम होना स्टार्ट हो गए, लोगों ने मुझे अपने घर में इनवाइट करा, जब मेरे को मेरी कॉलिंग पता चली और मैं किसी ने मुझे इनवाइट करा अपने घर में, तो जब मैं उनके घर में गई और उन्होंने उनकी जो मदर इन लॉ थी वो एक तांत्रिक थे, और जब उनको पता चला कि ये उनके घर में आई है प्रेयर के लिए, उनको लगा कि ये धर्म परिवर्तन करते हैं। उन्होंने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया, मेरे बाल ऐसे पूरे, मैंने वो चोटी बनाई थी, उन्होंने पूरी मेरी चोटी को खोल दिया और इतना ज़्यादा मेरे बाल को नोचा, मेरे फेस पे थूका उन्होंने, मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया और पूरे बीच बाजार में, ऐसा पूरी मार्केट चलती मार्केट में मुझे बाहर निकाल दिया धक्के मार के, और इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी मेरे को और मुझे इतना ज़्यादा बोला, और फिर भी मैंने स्वर्ग के ऊपर आसमान की ओर देख के खुदावन का थैंक्स करा कि खुदावन इन्हें बख्शे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और मैं जब अपने घर में आई तो मेरे फादर ने भी मुझे थप्पड़ लगाए और फादर बोलते थे कि तू मर क्यों नहीं गया ऐसे करने, हम चाहते थे तू मर जाए, इसीलिए हम तुझे एक्सेप्ट नहीं करते थे कि तू मर ही जाए, कि अभी तू इतनी बदनामी हमें दिखा रही है। तो मैंने, मेरे फादर ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मैं चर्च में चली गई। तो देखो मेरे इतना मेरे को गुस्सा आया कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं गुस्से में भी प्रभु के आत्मा ने मुझे चर्च में लेके गया, खुदावन मुझे चर्च में लेके गया, और वहाँ पे जाके मैंने इतना ज़्यादा मैं रोई, इतना ज़्यादा रोई, एक घंटा मैं पूरा प्रभु के साथ ऐसे बातें करती रही और मैं इतना ज़्यादा रोई, मैं रोती गई, जब खुदावन ने मुझे इतना, मतलब प्रभु ने मुझे तसल्ली दी, और जब मैं खुदावन ने मुझे तसल्ली दी और मैं फिर जाके मैं वर्शिप करना स्टार्ट की, इतनी झूम के इतनी नाच के मैंने वर्शिप की, और जब मैंने वर्शिप की सभी कुछ जो कुछ मेरे साथ हुआ था मैंने सब कुछ भुला दिया। जब मैं घर पे आई तो मेरे फादर ने मुझे फिर से गालियाँ देना स्टार्ट कर दी, और मैं इतनी ज़्यादा, मैं फिर भी पापा मेरे को गालियाँ दे रहे थे और मैं हंस रही थी आगे से कि कोई बात नहीं। तो फिर ऐसे कर करके मेरा इतना विरोध किया गया, सब कुछ इतना ज़्यादा हुआ कि मैं फिर भी मैंने प्रभु को नहीं छोड़ा और मैं एक ही वचन लेके चलती गई कि खुदावन कोई भी चीज़, कोई विरोध मुझे तेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता। और इस तरह से मैं अपनी सेवकाई को कर रही हूँ और खुदावन ने मुझे इतना ब्लेस किया है। उस टाइम पे मेरे फादर मेरा इतना ज़्यादा विरोध करते थे, इतना ज़्यादा मतलब मुझे टॉर्चर करते थे, और आज खुदावन की दया से मेरे फादर खुद मेरे कपड़े डिज़ाइन करते हैं। जब मैं सेवकाई कर रही हूँ और प्रभु की दया से मैं दो जगह चर्च लगा रही हूँ, एक पठानकोट में पिंड मलकपुर और एक दीनानगर में ताड़ागढ़ी रोड, हालेलुया। तो खुदावन ने मेरे को इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया और प्रभु कर भी रहा है और भी करेगा, और खुदावन ने मुझे उस टाइम में संभाल के रखा और खुदावन ने मेरी हिम्मत, प्रभु मेरी ढाल बने, हालेलुया। तो खुदावन ने मुझे हिम्मत बल दिया और मैं बैकस्लाइड नहीं हुई, मैं खुदावन में बढ़ती गई, और आज मेरे फादर, आज मेरे ब्रदर भी प्रभु में हैं और मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे फादर भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, हर वो चीज मेरे फादर ही डिजाइन करके देते हैं मुझे। थैंक यू जीसस। तो पास्टर जी, जैसा कि हम देखते हैं कि जो मसीहत है वो पूरे इंडिया में, पंजाब में, पूरे वर्ल्ड में फैल रही है, क्योंकि लोग सच्चाई को जान रहे हैं और परमेश्वर के पास आ रहे हैं। तो इसमें काफी सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि जो मसीही लोग हैं वो दूसरे लोगों को, अन्य जाति लोगों को पैसे देकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। जैसा कि हमने आपकी टेस्टमनी को सुना, आपने बताया है कि आप भी एक अन्य जाति बैकग्राउंड से हो, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको कितने पैसे मिले हैं यीशु मसीह में आने के लिए, या आपने कभी देखा हो किसी को पैसे देकर उसका धर्म परिवर्तन किया गया हो? ऐसा कुछ भी नहीं होता, खुदावन ने मेरी लाइफ को चेंज किया, खुदावन ने मुझे एक अच्छी क्लीन लाइफ दी है। और आज जब हम देखते हैं कि यूथ कितना पाप में, कितना नशों में, कितना व्यभिचार में है, पर खुदावन ने मुझे उस साइड पे नहीं जाने दिया। बेशक मेरी लाइफ में विरोध आया, सब कुछ हुआ, पर खुदावन में मैं अड़ी और खड़ी रही। आज लोग कहते हैं तू धर्म परिवर्तन कर लिए, ये कर लिए, खुदावन धर्म जात को नहीं बदलता, वो हमारे जीवन को बदलता, हालेलुया। खुदावन ने मुझे ऐसा पवित्र क्लीन जीवन दिया कि आज खुदावन की दया से लोग जान रहे हैं, हालेलुया। परमेश्वर के बड़े बड़े काम हो रहे हैं, खुदावन धर्म जात को नहीं, वो जीवन को बदलता है, हालेलुया।
तो लोग कहते हैं कि चर्च में जाके धर्म परिवर्तन करते हैं, चर्च में जाके कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता। जो टेस्ट मनीज होती है खुदा, जब लोगों को हीलिंग मिलती है, लोगों को डिलीवरेंस मिलती है, तो खुदा वो खुद ही अपने टेस्ट में लोगों को बताते हैं कि जैसे जो कुछ मेरे साथ हुआ वो जब उनके साथ होता है तो वो भी जान पाए कि खुदावन जीवित परमेश्वर है, वो कोई मुर्दा परमेश्वर नहीं, वो जिंदा परमेश्वर है, वो धर्म जात को नहीं बदलता, वो जीवन को बदलता है। और आज मैं टेस्ट मनी दे रही हूँ, मुझे कोई पैसे नहीं मिले, मुझे कोई पैसे नहीं दिए गए, मैं अपनी टेस्टिमनी बता रही हूँ ताकि वो यूथ भी बच सके जो अभी भी पाप में है। हालेलुया। तो पास्टर जी, हम चाहते हैं कि आप जो हमें यूथ अभी देख रहा है, जो यंग यूथ, जो स्पेशली लड़कियां हमें देख रही हैं, जो अभी भी दुखों और परेशानियों में है, जो पाप में फंसी है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? अगर आप बाहर किसी से मतलब कहते हो कि हमें प्यार मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कोई प्यार नहीं करेगा, क्योंकि एक ही परमेश्वर जो मैं सच्चा प्रेम कर सकता है। बाइबल कहती है कि दूध पिलाती माँ अपने बच्चों को छोड़ सकती है, पर मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। खुदावन ऐसा प्रेम करता है, वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, वो भी कभी आपको त्यागेगा नहीं। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि अपना जीवन खुदावन को दो और एक अच्छी, एक स्पिरिचुअल, एक अच्छी लाइफ जियो, क्योंकि आपका करेक्टर ही शो करता। अगर आपका करेक्टर सही होगा, आपकी फैमिली भी आपका सपोर्ट करेगी। अगर आपका करेक्टर ही गलत होगा, तो आपकी फैमिली भी आपका सपोर्ट नहीं करेगी। इसीलिए अपना जीवन पवित्रता में जिए और खुदावन को अपनी लाइफ दे। तो पास्टर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पूरी गवाही इशू की जो टीम है वो आपका धन्यवाद करती है कि आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी गवाही को शेयर किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जय मसीह के पास्टर जी। तो जैसा कि अभी आपने पास्टर जिया जी की टेस्टमनी को सुना है, तो मेरा विश्वास है इस गवाही को सुनने के बाद आपकी जो लाइफ है वो सेम नहीं रहेगी। तो जैसा कि प्रभु के वचन में भी लिखा है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती तो है, लेकिन परमेश्वर उन सभी विपत्तियों को दूर करता है और अपने लोगों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपकी भी विपत्तियों को दूर करेगा और आपको एक गवाही के साथ खड़ा करेगा। सबको जय मसीह की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही का सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाही यीशुदे को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कॉन्टैक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। असी हां गवाह यीशु दे।